नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल केशव इलेक्ट्रिक पर। दोस्तों, आज मैं जनरेटर का जो साइड में लोड डायोड लगता है उसका कनेक्शन बताने वाला हूँ। वीडियो पूरा देखिए, आप लोग को कहीं से कहीं कोई तकलीफ नहीं होगी दोस्तों, पूरा समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, ये लोड डायोड है जो लोड के लिए ही बनाया जाता है। जैसे कि फील्ड से जो मोटा वाला तार निकलता है वो इसी होस में जुड़ता है दोस्तों, ठीक है। तो ये मैं कनेक्टर बना लिया हूँ, और कनेक्टर बनाने के बाद जो दोस्तों इसमें डायोड किस प्रकार से लगेगा वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। और एक डायोड ये मैं आप लोगों को इंडिकेशन के लिए बता दिया हूँ कि देखिए, एक तरह से सिल्वर कोटिंग होता है, तो जिस तरफ से मैंने वाइट छोड़ दिया हुआ है तो उसको पॉजिटिव मानते हैं। और ये चार का सेट दोस्तों लगेगा एक यहाँ, जैसे कि एक ही तरफ प्लस एक ही तरफ माइनस करके ऐसे चार डायोड लगेगा एक में, यानी कि टोटल लगेगा इसमें 16 डायोड दोस्तों। देखिए, तो ये मैं इंडिकेशन के लिए बता रहा हूँ दोस्तों, और इसमें आप चार डायोड लगाएं। यहाँ पे जो है दोस्तों, ये हो गया प्लस और ये हो जाएगा माइनस, और इसमें जो है दोस्तों डायोड लगेगा चार, तो वो भी आप देख लीजिए। और दूसरा वाला में भी दोस्तों इसी प्रकार कर देंगे, जिससे इसमें लगाए हैं उसी प्रकार से दोस्तों इसमें भी करेंगे लगाएंगे। जैसे कि पॉजिटिव दोनों ऊपर ही के तरफ ही रहेगा और चार का सेट रहेगा दोस्तों, ठीक है। और ये इसमें देखिए, फिर जो है दोस्तों प्लस माइनस और फोर डायोड, ठीक है। अब इसमें भी देखिए दोस्तों, और तीसरा नंबर वाला में दोस्तों उलट रहना पड़ेगा डायोड को, जैसे कि पॉजिटिव नीचे लाना होगा और नेगेटिव ऊपर ले जाना होगा, यानी कि माइनस ऊपर ले जाना होगा। तो इसी प्रकार ये देखिए, इसको पॉजिटिव नेगेटिव, और इसमें भी चार डायोड है दोस्तों, ये चार चार का सेट है। और लास्ट वाला में भी इसी प्रकार से होगा। देखिए दोस्तों, इसमें आपको ये हो गया कि दो पॉजिटिव ऊपर की तरफ और दो नेगेटिव नीचे की तरफ, जैसे कि एक में चार डायोड है, चार डायोड का चार सेट बनेगा दोस्तों, जिसमें कि दो पॉजिटिव वाला ऊपर की तरफ और दो नेगेटिव वाला नीचे की तरफ। अब देखिए दोस्तों, इसमें मेन समस्या है कि इसमें जम्पर वायर जोड़ना होता है, यानी कि लूप वायर, यानी कि दोनों डायोड को लूपिंग करना होता है। इसके बाद जो है दोस्तों तार लगाया जाता है। तो ये देखिए, फर्स्ट से सेकेंड वाले को कर देंगे लूपिंग, और थर्ड से फोर्थ वाले को, नीचे से दोनों को लूपिंग ऐसे इसी प्रकार से कर देंगे दोस्तों, ठीक है। अब रह गया ऊपर वाली बात, नीचे क्या तो हो गया। तब ऊपर वाला बात है दोस्तों, तो देखिए बीच वाले दोनों को लूपिंग कर देंगे, बीच वाले दोनों को लूपिंग इसी प्रकार से कर देंगे, और फिर इसको जो है साइड से साइड को लूपिंग कर देंगे। तो अब देखिए दोस्तों, अब इसमें एक बात को ध्यान देने वाली बात ये है कि जो आउटपुट निकलेगा वो किधर से जुटेगा, और जो एक वायर फील्ड से आएगा मोटा वाला दो वायर वो किधर लगेगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये दो तरफ दोनों जो साइड साइड में जुटा हुआ है, इसमें फील्ड का तार लगेगा दोस्तों, मोटा वाला तार लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो मान लीजिए एक वायर यहाँ लगाइए और एक वायर यहाँ लगाइए, या तो एक बार यहाँ लगाइए यहाँ लगाइए, यानी कि इस दोनों पे एक वायर लगना चाहिए और इस दोनों पे एक वायर लगना चाहिए। तो फिलहाल मैं यहाँ पे एक वायर मान लीजिए जोड़ देते हैं, तो ये तार जो है दोस्तों फील्ड से निकला हुआ रहेगा दोस्तों, वाइंडिंग के तरफ से मोटा वाला वायर, ठीक है दोस्त। फिर जो है दोस्तों, आप इसमें कहीं भी जोड़ सकते हैं। और ऊपर वाला जो तार हो गया, देखिए दोस्तों, एक वायर चला जाएगा डायरेक्ट वो जो रेक्टिफाई ब्रिज बना रहता है चार डायोड का सेट, उसमें जाएगा एक कोने पे दोस्तों, जहां से आउटपुट सप्लाई निकलता है। और दूसरा वाला जो है दोस्तों, वो भी जाएगा कार्बन ब्रश पे, और फिर कार्बन ब्रश से होते हुए जाएगा दोस्तों ऊपर की तरफ। तो देखिए, ये कार्बन ब्रश हो गया, ये कार्बन ब्रश पे जुट के और कार्बन ब्रश से ऊपर चला जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गया पतला वायर, और
पतला वायर का कनेक्शन है दोस्तों, आप वो सब देखना चाहते हैं तो मैं फुल्ली वीडियो बना कर डाल दूंगा। आप लोग लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके बताएं तो मैं अच्छी तरह से उसका भी वीडियो एक बना के डाल दिखा दूंगा। और ये इसमें जो दिया गया जानकारी है दोस्तों, वो कैसा लगा अगर तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। क्या कि सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा हौसला बढ़ता है और आप लोगों को जानकारी मैं देता रहता हूँ। और देखिए इसमें दोस्तों ये हो गया 16 डायोड का कनेक्शन और एक होता है 24 डायोड का कनेक्शन दोस्तों। तो 24 डायोड का भी कनेक्शन मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा दोस्तों इस प्रकार से कि उसका भी किस प्रकार होता है, कैसे होता है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।